जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है राजेंद्र, आप देख रहे हैं PRK अनबॉक्सिंग YouTube चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेन में अनरिजर्व टिकट लेकर यात्रा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। दोस्तों चलिए हम जानते हैं इस बारे में। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि अब मतलब कोरोना वायरस के बाद दोस्तों किसी किसी ट्रेन में 2S क्लास लगे हुए हैं, यानी उसका फुल फॉर्म होता है सेकेंड सेटिंग क्लास यानी जनरल कोच उसे कहा जाता है। और दोस्तों आप रही रिजर्व टिकट अनरिजर्व टिकट लेकर यात्रा करने की बात, तो दोस्तों अनरिजर्व टिकट आपको PRS काउंटर से ही दिया जाता है, या तो फिर दोस्तों आप कहीं और से निकल UTS द्वारा आप टिकट बुक करते होंगे। दोस्तों अनरिजर्व टिकट दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल होता है, दूसरा होता है सुपर फास्ट। यानी सुपर फास्ट का मतलब होता है दोस्तों आप किसी भी ट्रेन में चेंजेस कर सकते हो, और नॉर्मल टिकट होता है दोस्तों वही ट्रेन में आपको जाना होता है जिस ट्रेन में आपको ने टिकट कटवाया है। और दोस्तों ये बात आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर अनरिजर्व टिकट लेकर आप यात्रा कर रहे हो दोस्तों, अगर आपने PRS काउंटर से टिकट कटवाया है तो दोस्तों आपको वहां PRS काउंटर पर पता चल जाएगा कि इस मतलब कि इस ट्रेन में अनरिजर्व टिकट लेकर यात्रा हो सकती है या नहीं हो सकती है। और अगर आपने नहीं पूछा है तो दोस्तों आप जनरल कोचेस नहीं है तो आपकी ट्रेन में, तो आप सेकंड सेटिंग क्लास में चले जाइए या स्लीपर क्लास में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद में आपको यही प्रॉब्लम होगी, TT अगर आएगा तो आपसे ये पूछेगा कि आपने टिकट आपका टिकट दिखाइए, तो आप टिकट नहीं दिखाओगे तो दोस्तों आपको प्लान्टी भरना पड़ेगा, जितना आपसे TT मांगेगा वो आपको टिकट आपकी बना के देगा।